सुयेन बेग जियुन और जिंहू को साथ में देख लेती है और वो बहुत सैड हो जाती है। जिंहू को उसे घर जाने के लिए बोलता है और मेरे सामने कभी भी मत आना बोलता है। बेग जियुन रिग्रेट करती है, बोलती है तो जिंहू ये तुम्हारी चॉइस है बोलता है, और ये तुम हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो बोलकर चला जाता है। वो घर आता है और उसी के बारे में सोच रहा था। बेग जियुन उसे ब्रेकअप करने के लिए बोली थी और वो हांगडोंग ग्रुप का मिंग के साथ शादी करना चाहती थी। दोनों का रिलेशनशिप 6 साल हो रहे थे पर वो मिंग के साथ 3 महीने पहले ही मिली थी और उसके साथ रहना चाहती थी, पर जिंहुक मेरे साइड में रहो बोलता है, पर वो सॉरी बोलती है और मना करती है। अगले दिन जिंहुक ऑफिस आकर देखता है तो वहाँ पर मिंग आया था। उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और इसे अंदर आने कौन दिया बोलकर फोन पर चिल्ला रहा था। मिंग उसे तुम बेग जियुन के साथ में मजे कर रहे हो बोलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे मत बोलो बोलता है। मिंग का ऑफर जिंहुक ठुकरा दिया था इसीलिए वो उसे बदला लेना चाहता था। नेक्सन कांगडोजिन और सीक्रेट मेकअप करने के लिए गया था और उसे एक वैम्पायर लुक चाहिए था, इसलिए सियुन मेकअप करती है और ये कैसा है पूछती है तो वो ये अच्छा नहीं है और तुम्हारे स्टैंडर्ड लो है बोलता है। वो फिर से मेकअप करती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। सियुन फिर से मेकअप करती है और ये ठीक है पूछती है तो कांगडोजिन अपने आप को देखकर ये मेरे लिए सही नहीं है बोलता है। सियुन गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर और कभी मत आना बोलकर चली जाती है। कांगडोजिन का मैनेजर उसे सुना रहा था, कांगडोजिन चा ब्यूटी चलो बोलता है। मैनेजर उसे परेशान हो रहा था, सियुन बहुत गुस्से में थी और चा ब्यूटी में काम करने वालों का फोटो देखकर मिंग उसे बर्बाद करेगा बोला था वही सोच रही थी। नेक्स्ट दिन सुयुन रात में जो हुआ था उसके बारे में सोचकर जेलस हो रही थी। फिर वो रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर जिंहुक था और तुम कल रात कैसे गई पूछता है। वो बस से गई बताती है। जिंहुक कंफ्यूज था और गलत क्वेश्चन आंसर पूछ रहा था। सुयुन आप कंफ्यूज हो बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन सब मेकअप ब्रांड लॉन्च के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर कांगडोजिन आता है। जेवन उसे आइडिया देती है कैसे सुयुन के पास जाना। वो जिंहुक को लाइक करती है और वो उससे मिलती है। जिंहुक कॉफी पी रहा था, उसे देखकर उसे कुछ कुछ होने लगता है और उसे गर्मी लग रही है बोलती है, इसलिए जिंहुक उसे जैकेट निकालने के लिए बोलता है तो वो यहाँ पर बोलती है और स्टाइल से निकाल रही थी। इसे देखकर जिंहुक रहने दो बोलता है। फिर वो कांगडोजिन के बारे में बताती है। जिंहुक को देख रही थी और अपने आप को जोर से थप्पड़ मारती है और काम करो बोलती है तो वो उसे देखकर डर जाता है। जेवन ठीक है बोलती है और रो रही थी। वो उसे पूछने के लिए देता है। जेवन मेरे साथ अच्छे से बिहेव मत करो बोलकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जिंहुक हाथ छुड़ा लेता है और वो बहुत डर रहा था। वहाँ पर कांगडोजिन आता है। वो जेवन को देखकर डर जाता है और चला जाता है। कांगडोजिन मेकअप करने के लिए जाता है। सुयुन नहीं थी इसीलिए वो उसे बुलाने के लिए बोलता है और वो एक्सरसाइज कर रहा था। वो आती है तो वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वहाँ पर हॉन्गसिक भी था और वो भी एक्सरसाइज करता है। वहाँ पर मिस्टर किम आता है तो दोनों डर कर गिर जाते हैं। मिस्टर किम कांगडोजिन का बॉडी देखता है और तुम कूल हो बोलकर खुश हो रहा था और वहाँ से चला जाता है। कांगडोजिन होंगसियुक को नेक्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे बोलता है और हाथ मिलाता है। होंगसियुक उसका हाथ जोर से पकड़ता है और डेट फिक्स करने के लिए बोलता है तो वो डर रहा था। होंगसियुक और ह्यूनजुन चले जाते हैं। कांगडोजिन सुयुन से मिलता है और मिस्टर किम मेरा बॉडी को देखकर हंगामा क्यों कर रहे थे, मेरा बॉडी की अच्छा नहीं है बोलकर वो किसी से पूछने के लिए जा रहा था, पर सुयुन उसे मना करती है और उसका मेकअप कर रही थी। नेक्सन मिंग बेग जियुन से जब फर्स्ट टाइम मिले थे वही सोच रहा था, उसे पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। सब लोग उसके पैसे को देखते हैं और उसके पास आते हैं। वो उसके काम करने वालों से सुनता है बेग जियुन उसे मिलने के लिए प्लान बनाई थी। ये सब जानते थे पर वही नहीं जानता था। वो घर आकर बेग जियुन से पूछता है मैं कौन हूँ तुम पहले से जानती थी, और उस पर चिल्लाने लगता है पर वो कुछ भी नहीं बोलती है, इसीलिए वो सोचता है ये सब उसे फंसाने के लिए प्लान था। और वो तब से उसे गुस्सा करता है और वो सियुन को कॉल करता है और मेरे साथ काम करो बोलता है। नेक्सिन कोई आए थे इसीलिए सुयुन बाहर जाती है देखने के लिए तो वहाँ पर बेग जियुन थी। जिंहुक सुयुन कहाँ है पूछता है तो वो यहाँ पर नहीं है बोलते हैं, इसीलिए वो उसे कॉल करता है। वो फोन छोड़कर चली गई थी। सुयुन टीपी से गई थी इसीलिए वो जाकर टीपी मीन्स क्या है पूछता है। सब कचरा पर्सनालिटी बोलते हैं इसीलिए वो इसे कैसे नाम कर सकती है
सोच रहा था और गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। सोयुन बेग जियुन के साथ में थी और तुम जूहू के साथ में डेट कर रही हो, पूछती है तो वो पहले हाँ बोलती है फिर नहीं। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है बोलती है। फिर वो वापस आ रही थी, जूहू उसे ढूंढने के लिए जा रहा, फिर उसे बुलाकर चेंज करो बोलता है। जल्दी ही गुड प्रेसिडेंट चेंज करो बोलता है और पीछे जा रहा था और टकरा जाता है। सोयुन को समझ नहीं पा रही थी, फिर वो रूम जाती है और अपना फोन देकर वो समझ जाती है। नेक्सन मिंग जिंगहू को बर्बाद करने के लिए प्लान बना रहा था और सीयुन फैक्ट्री जाकर प्रेसिडेंट से मिलती है। नेक्सन सोयुन प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ पर जिंगहू आता है और उसे मेकअप करने के लिए बोलता है, पर वो अच्छे से नहीं कर रही थी इसीलिए वो उसे सिखा रहा था। फिर भी वो अच्छे से नहीं कर रही थी इसीलिए जिंगहू उसके हाथ पकड़ कर सिखा रहा था। दोनों बहुत क्लोज हो गए थे इसीलिए जिंगहू दूर हो जाता है। अच्छे से करो बोलता है और वो चार ब्यूटी कॉस्मेटिक गिफ्ट देता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो रही थी, वो वहाँ से चला जाता है। नेक्सन जिंगहू घर पर था, तभी वहाँ पर कोई आते हैं इसीलिए वो देखने के लिए जाता है। वहाँ पर बेग जियुन आई थी और वो उसके पास वाली रूम पर रहने के लिए आई थी। ये सुनकर वो यहाँ से चला जाऊंगा बोलता है। बेग जियुन उसे बात करनी है बोलती है तो वो मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी रीजन नहीं है बोलता है और डोर बंद कर देता है। वो सैड हो जाती है। अगले दिन चा ब्यूटी ब्रांड अभी तक पैकिंग नहीं हुआ था और कुछ गड़बड़ हुआ है सोच रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर किम आता है। तुम लोग देखे, हांगडोंग ग्रुप मेकअप ब्रांड लॉन्च किया है। ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो चेक करते हैं, उनका ब्रांड लाकर चेक करते हैं तो ये उनका ही मेकअप ब्रांड था। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।